आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों में ठंडक का एहसास दिलाने वाले ताजे नारियल का आइसक्रीम। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आपका अपना चैनल वंदनास किचन एंड गार्डन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल का आइसक्रीम, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नारियल को हमने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब हम इसे फ्रीजर में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि नारियल हमारा छिलके से आसानी से निकल जाएंगे। 8 घंटा फ्रीजर में रखने के बाद हमने इसे निकाल लिया है। अब हम इसे हथौड़े की मदद से धीरे धीरे से ठोक ठोक के इसे निकाल लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे मारते रहने से इसका सारा छिलका टूट टूट कर निकल जाएंगे। जैसे ही फटने लगेगा उसके बाद इसे चाकू से इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है नारियल छीलने का। इस तरह से हमने पूरे नारियल को निकाल लिया है। ये फट भी जाए तो इसका पानी का निकलने का डर नहीं है, क्योंकि ये अंदर में बर्फ बन गया है। अब हम इसे पीलर की मदद से अच्छी तरह से छील लेते हैं। छीलते छीलते ही ये फट गया है, तो हम इसका बर्फ को पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए, नारियल का पानी पूरी तरह से बर्फ में बदल गया है। पिघलने के बाद हम इसे नारियल पीसने में यूज कर लेंगे। हमने दोनों नारियल का ब्राउन पार्ट को हटा दिया है। अब हम इसे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। हमने सारे नारियल को काट लिया है। अब एक ग्राइंडिंग जार में डालकर इसको पीस लेंगे। सारे नारियल के टुकड़ों को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच चीनी डाल देते हैं। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। साथ ही 1 कटोरी पाउडर दूध, 1/2 कटोरी घर का फ्रेश मलाई, 1 कटोरी दूध, 1 इलायची, 1 छोटी कटोरी नारियल का पानी। अब हम इसे अच्छी तरह से पीस लेते हैं। हमने इसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे कुल्फी मेकर में डाल लेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिया है कुल्फी मेकर। ये बाजार में आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास कुल्फी मेकर ना हो तो आप इस तरह के प्लास्टिक का गिलास या कॉफी कप का भी यूज कर सकते हैं, या फिर घर में यूज होने वाले नॉर्मल स्टील का गिलास या कटोरी में भी आइसक्रीम को सेट कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे कुल्फी मेकर में आइसक्रीम के मिक्सचर को डाल देते हैं। हमें सारे कुल्फी मेकर में सावधानी से धीरे धीरे करके सारे मिक्सचर को डाल देना है और इसे हल्के हाथों से इस तरह से हिला देना है ताकि ये अंदर तक फील हो जाए। बाकी के कुल्फी मेकर में भी हम मिक्सचर को डाल देते हैं। हमने सारे कुल्फी मेकर में मिक्सचर को फिल कर दिया है। अब हम इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। हमें इसे अच्छी तरह से कवर कर लेना है। हमने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम इसे बीच बीच में छेद कर लेंगे आइसक्रीम स्टिक को लगाने के लिए। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक को लगा देते हैं।
अब हम इसे 8 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। हमने 2 ग्लास में भी मिक्सचर को डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ कटी हुई नारियल के टुकड़े को भी डाल देते हैं, जिससे कि हमें हर बाइट में नारियल का फील आए। हल्का सा मिला लेते हैं। अब हम इसे मिला लेते हैं। हम 1 ही ग्लास में नारियल को डाल रहे हैं। आप चाहे तो सभी में भी डाल सकते हैं या फिर नारियल के टुकड़े को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। हमने इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लिया है। अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक को लगा देते हैं। इसे भी हम फ्रीजर में जमने के लिए रख देते हैं। 8 घंटे के बाद हमने इसे फ्रीजर से निकाल लिया है। हमारा आइसक्रीम तैयार है। अब हम इसे सांचों से निकाल लेते हैं। सांचों से निकालने के लिए सबसे पहले एल्युमिनियम फॉइल को हटा देते हैं। ये थोड़ा सा चिपक गया है, इसे भी हम हटा लेते हैं। हमने एल्युमिनियम फॉइल से इसे निकाल लिया है। अब हम इसे सांचों से निकाल लेते हैं। सांचे से आइसक्रीम को बाहर निकालने के लिए हमने एक बाउल में नॉर्मल वाटर लिया है। निकालने के लिए अब हम इसे 15 से 20 सेकंड के लिए पानी में डिप कर लेंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से इसे निकाल लेना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से हमारा आइसक्रीम निकल गया है। या फिर हथेली से आप इस तरह से हल्के हाथों से रब करके भी इसे निकाल सकते हैं। इस तरह से 10 से 15 सेकंड के लिए इसे रगड़ना है, जिससे कि कुल्फी बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसी तरह से सारे आइसक्रीम को निकाल लेना है। हमने सारे आइसक्रीम्स को निकाल के सर्व कर दिया है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।